फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सियास वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ जो कि आपकी आई लैशेस को बढ़ाने में हेल्पफुल होगी। तो फ्रेंड्स, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने कोई भी इसमें प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। तो जिस तरह से मैंने अपनी आई लैशेस को बढ़ाया है, मेरी आई लैशेस की ग्रोथ हुई है, वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि अगर आप मेरी मेबलिन मस्कारा की वीडियो देखेंगे, जो कि मैंने फर्स्ट मस्कारा बाय किया था, तो उसमें मैंने आपको मेंशन किया था कि मेरी जो आई लैशेस है काफी कम है। तो आप वो वीडियो जाके देखिएगा, तो उसमें आपको ये मेंशन मिलेगा कि मैंने उसमें ये बोला था कि मेरी जो आईलैशेस है बिल्कुल भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, जैसे जैसे मैं वीडियोस बनाती गई, मैं अपने फेस की केयर करती गई, तो वैसे वैसे फ्रेंड्स मैंने देखा कि मेरी जो आईलैशेस है उनकी ग्रोथ होनी शुरू हो गई है। मेरी आईलैशेस जो है वो काफी पहले से बड़ी हो गई है। तो इस टाइम भी फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मैंने मस्कारा तो अप्लाई किया हुआ है, लेकिन नीचे वाली लैशेस आप देख सकते हैं काफी लॉन्ग है और ऊपर वाली भी काफी लॉन्ग हो चुकी हैं। तो ये कैसे हुई वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको कभी भी अपने फेस को जब वाइप करना है फेस वॉश करते टाइम, उसके बाद तो फ्रेंड्स आपको कभी भी जो टॉवल होता है उसको जोर से अपनी आईज के ऊपर रब नहीं करना। बिकॉज जैसे कि हम अपने बालों की केयर करते हैं और बालों को बड़ा आराम से हम बालों को अपने साफ करते हैं और आराम से उसको क्लीन करते हैं, उसी तरह से फ्रेंड्स आपको अपनी आईज को भी बड़े आराम से क्लीन करना है। मैंने देखा है कि हम फेस वॉश करते टाइम ना भूल जाते हैं, हम आईज पे ऐसे ऐसे जोर जोर से हैंड्स लगाना शुरू कर देते हैं। साथ ही जब हम फेस को वाइप करते हैं नहाने के बाद या फेस वॉश करने के बाद, तो उसी टाइम हम टॉवल के साथ जोर जोर से पोंछना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है कि हमारी आई लैशेज के ऊपर जोर पड़ता है और लैशेज जो होती हैं वो निकलनी शुरू हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने एक दो महीने से अपने जो फेस की जो केयर थी वो थोड़ी सी और डेलिकेट कर दी। तो मुझे खुद नहीं पता लगा कि मेरी आई लैशेज कब बड़ी हो गई। और एक दिन मैंने मिरर में खुद को देखा और मैंने देखा कि वाह, मेरी आई लैशेज सच में इतनी लॉन्ग हो चुकी हैं कि मुझे मस्कारा लगाए बिना ही मेरी लैशेज जो है वो लॉन्ग लग रही हैं। तो फ्रेंड्स, तब मैंने थोड़ा सा रिवाइंड किया कि मैंने ऐसा क्या क्या किया था जिसकी वजह से मेरी जो लैशेज हैं वो इतनी बढ़िया लग रही हैं। सो फ्रेंड्स, जो सारा एक्सपीरियंस अब वो है साथ शेयर कर रही हूँ। तो आपने एक बात तो ये समझ ली होगी कि आपको कभी भी फेस वॉश करते हुए आईज को जोर से रब नहीं करना और फेस वाइप करते हुए भी आईज को जोर से रब नहीं करना। तो बड़े ही प्यार से अपनी आईज को क्लीन करना है। साथ ही फ्रेंड्स, मैं रात को रोज आई ड्रॉप्स डाल के सोती हूँ। बिकॉज आपको पता ही है कि आजकल हम सब फोन पे रहते हैं, टीवी तो देखते ही देखते हैं, साथ ही फ्रेंड्स स्क्रीन आप जितनी देखते हैं, कोई कंप्यूटर पे वर्क करता है, लैपटॉप पे करता है, तो हमारी आईज ना सारा दिन वर्क करती ही रहती है और स्क्रीन पे तो रहती ही रहती है। तो फ्रेंड्स, मैंने एक दो महीने से दो तीन महीने से मैंने आदत बना ली है कि मैं रात को रोज अपनी आईज में आई ड्रॉप डाल के सोती हूँ। तो सुबह तक क्या होता है कि मेरी आईज जो होते काफी रिलैक्स फील करती हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स, आपको भी अपनी आईज को किसी भी डॉक्टर की सलाह से डेली आई ड्रॉप डालना चाहिए और काफी आईज को इसमें रिलैक्स मिलता है। तो मैं ये नहीं कह रही कि आपको ये दवाई लगा लेनी चाहिए, मीन्स की आई ड्रॉप तो फ्रेंड्स आजकल हम सबको जरूर डालना चाहिए। तो हमारी जो आईज हैं वो इतना सारा काम करती हैं, उन पे बोझ रहता है, तो उनको भी थोड़ी सी रेस्ट तो चाहिए चाहिए ना। तो इसलिए फ्रेंड्स, मैंने दो तीन महीने से अपनी आईज में आई ड्रॉप डालना शुरू किया था। रोज रात को मैं डालती ही डालती थी, तो उससे मुझे लगा कि शायद थोड़ा सा फर्क पड़ा। साथ ही फ्रेंड्स, मैं जब भी क्रीम अप्लाई करती हूँ फेस के ऊपर, तो मैं अपनी आईज के ऊपर भी ना इस तरह से हल्का हल्का सा मसाज जरूर करती हूँ। और हम कोशिश करते हैं कि हम जब भी क्रीम अप्लाई करते हैं तो आईज को हम भूल जाते हैं, या फिर हम अलग से आई क्रीम अप्लाई करते हैं तो, लेकिन फ्रेंड्स मैं ऐसा कुछ नहीं करती। मैं जो भी क्रीम अप्लाई करती हूँ, जो भी मॉइस्चराइजर अप्लाई करती हूँ, मैं बड़े ही लाइटली हैंड से अपनी आईज के ऊपर इसे अप्लाई करती हूँ, ना कि अपनी लैशेज के ऊपर। तो लैशेज को मैं छोड़ देती हूँ और ये जो ऊपर का पोर्शन होता है वहां पर मैं इसे अप्लाई करती हूँ और अंडर आईज पे अप्लाई करती हूँ। तो इस तरह से लैशेज के ऊपर जब क्रीम नहीं लगती तो वो लैशेज जो है वो सेफ रहती हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। साथ ही फ्रेंड्स, मैं रात को समटाइम्स क्या होता है कि मैं जब
जो एलमंड ऑयल होता है उससे अपनी अंडर आईज की हल्की सी मसाज करके सोती हूँ, तो मुझे लगा कि उससे भी थोड़ा सा फर्क पड़ा होगा, बिकॉज जो ऑयल होता है वो हमारी लैशेस को बढ़ाने का काम करता है। तो जैसे कि हम बालों में तेल लगाते हैं तो बाल बढ़ते हैं, इसी तरह से फ्रेंड्स जो ऑयल होता है वो भी हल्का सा लैशेस पे तो अप्लाई हो ही जाता है। जब मैं सोती हूँ तो लैशेस बंद होती है, आईज बंद होती हैं, तो लैशेस में भी वो तेल जाता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स मुझे ये भी एक्सपीरियंस हुआ कि ऑयल के साथ भी मेरी जो लैशेस की ग्रोथ है वो हुई है। तो एक तो फेस वॉश हो गया, वो ध्यान से करना है, एक आपने फेस वाइप ध्यान से करना है, लैशेस के ऊपर ज्यादा जोर नहीं डालना। क्यों, आप ध्यान देंगे फ्रेंड्स कि जब भी आप नहा के आते हैं ना, तो आपके फेस के ऊपर यहाँ पे लैश गिरी होती है, यहाँ पे मीन्स की गिरती रहती हैं। तो आप जितना उनको खींचेंगी उतनी लैशेज आपकी निकलेंगी, उनकी ग्रोथ रुक जाएगी और वो कम होनी शुरू हो जाएंगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैं बड़े ही डेलिकेट तरीके से अपने फेस की केयर करती हूँ, अपनी आईज की केयर करती हूँ। तो इस तरह से फ्रेंड्स मुझे लगा कि मेरी जो आई लैशेज हैं वो बढ़ चुकी हैं, और अब फ्रेंड्स मैं अपनी वही रूटीन अपनी सेट कर ली हुई है कि मैंने इसी तरह से अपना फेस क्लीन करना है, इसी तरह से फेस वाइप करना है, मैंने एलमंड ऑयल इस तरह से लगाना है और क्रीम को इस तरह से अप्लाई करना है। सो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था जिससे कि मुझे फील हुआ कि मेरी लैशेस की जो ग्रोथ है वो हुई है। तो अगर आप भी अपनी लैशेस को बढ़ाना चाहते हैं तो आप इन टिप्स को ट्राई कर सकते हैं, और अगर आपकी लैशेस बढ़ जाती है, मैं ये नहीं कह रही एकदम से जादू हो जाएगा, एक दिन में हो जाएगा, 7 दिन में हो जाएगा, आपको कम से कम 2 महीने इस तरह से करना होगा। वैसे भी फ्रेंड्स ये कोई बुरी आदतें तो है नहीं जो मैं आपको बता रही हूँ, अच्छी आदतें हैं। तो अगर आप इन्हें रूटीन में शामिल करते हैं तो आपकी लैशेस के साथ साथ आपका फेस जो है वो भी काफी बढ़िया हो जाएगा और क्लीन भी रहेगा, कोई पिंपल्स की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप अपनी लैशेस की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी आज की वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन बटन, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड यस फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।